फिर दोशिक, हाउ टू कुक दिस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हरियाली से भरपूर ग्रीन फिश फ्राई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट मैरिनेशन। तो यहाँ पे ले ली है मैंने 500 ग्राम सुरमई फिश, इसे मैंने अच्छे से धो कर ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक। अब ऐड करते हैं एक बड़ी साइज़ के नींबू का जूस और बस इसे इस तरीके से रब करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब इस जार में ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून जीरा, 8-10 कली लहसुन की, ये करीब 100 ग्राम फ्रेश नारियल के पीसेस ऐड कर देंगे। करीब 50 ग्राम पुदीने के पत्ते भी डाल देते हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है। और ये 50 ग्राम जितना ही हरा धनिया ले लिया है, इसे ऐसे तोड़कर डालेंगे। और अब ये मैंने ले ली है 5 हरी मिर्चें और इसे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ग्रीन पेस्ट तैयार कर लिया है और फिश को भी मैरिनेट होते हुए 10 मिनट हो गई है। ये देखिए फिश का कलर एकदम वाइट हो गया है। तो अब इसमें ये ग्रीन पेस्ट थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हाथों से ही रब करते हुए पेस्ट को फिश पे कोट कर देंगे। और अब बाकी का भी डाल देते हैं और इसे अच्छे से रब करते हुए मिला लेते हैं। यकीन मानिए ये ग्रीन फिश खाने में तो इतनी टेस्टी लगती है और ये मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। तो बस अब इसे ढककर साइड में रखते हैं और फ्राइंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया, इसमें ये फिश के पीसेस ऐड कर देते हैं। पैन में 3 या 4 पीसेस ही फ्राई करना एक बारी में, वरना पीसेस टूट जाएंगे और कोटिंग भी उतर जाएगी। अब इसे फ्राई होने देते हैं 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए 3 मिनट के बाद इसे ऐसे पलट देना है और ये बचे हुए ग्रीन पेस्ट को भी फिश पे ऐसे अप्लाई कर देंगे और 3 मिनट के बाद फिर से पलट कर 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अब ये परफेक्ट फ्राई हो गई है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार। अब इस मसाले को भी निकाल लेते हैं। अब फिर से तेल ऐड करते हैं और दूसरी बेज भी फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए तैयार है हमारी ज़बरदस्त टेस्टी ग्रीन फिश फ्राई। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और अपने ग्रुप में शेयर करना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ और ये स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो भी क्लिक करके ज़रूर देखते जाना।